राम राम, जय हिंद। स्वागत है फिर से सरकारी स्कूल में। और देखो, एक चीज़ हम तुम्हें ये बता दें कि कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भैया वो क्या कहते हैं, उसको भूल गए यार, क्या कह रहे थे, एक मिनट रुक जाओ, क्या कह रहा था वो मैसेज, अरे मेंटरशिप, ठीक है, मेंटरशिप के बारे में बात कर रहा था कि भैया मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, आप अगर ज्वाइन करवाना चाहो हमसे, आप रुपए ले लो, अपने साथ हमें जोड़ लो। देखो, अभी हमें नहीं लगता है कि मेंटरशिप की ज़रूरत है किसी को भी, अगर हमें ऐसा लगेगा तो हम आगे प्लान जरूर लाएंगे, क्योंकि पैसे कमाने के मामले में हम आगे रहेंगे। देखो, अगर कहीं से भी पैसा आ रहा होगा तो हम आगे रहेंगे, लेकिन जिस काम में हमें लगेगा तुम लोगों को ज़रूरत है उसी काम में पैसा कमाएंगे हम। ऐसा नहीं है कि कुछ ज़रूरत नहीं तुम्हें उसमें भी हम पैसा ले लें, नहीं, वो नहीं करेंगे, ठीक है, वो अपने उसूलों के थोड़ा खिलाफ चला जाता है। अगर ऐसा ही होता तो चैनल बेच दिया होता, 5.5 लाख रुपये का बिक रहा था जब चैनल डेड पोजिशन पर था तब। चलो, बात कर रहे हैं हम लोग CGL की, ठीक है, और अगले जो हमने कहा था 250 वीडियो वो CGL के रहेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि तुम हर वीडियो देखो, इतना टाइम वेस्ट मत करना, जो तुम्हारे काम का हो सिर्फ वो वीडियो देखो, क्योंकि ये हर एक इंसान के लिए अलग अलग वीडियो हम दे रहे हैं, ठीक है। CGL अगर 2024 में सिलेक्शन लेना है तो अब से मेरी एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है टॉपर्स टॉक, ये तुम्हारे लिए नहीं है चचा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि जो टॉपर्स निकल के आए हैं ना, टॉपर्स में एक दो हो सकते हैं किसी को सुना हो, बाकी स्ट्रेटेजी उनकी खुद की होती है, वो किसी को नहीं सुनते हैं यार। टॉपर्स का मतलब क्या होता है कि आप खुद एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो, वहां से लोग तुम्हें फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम टॉपर्स टॉक सुनो, और क्योंकि ये आजकल ट्रेंड में बहुत चल रहा है, लोग अपने मीटअप रख के टॉपर्स को बुलाते हैं, नाच गाना होता है, सब कुछ होता है, उसमें टाइम वेस्ट उनका हो रहा है जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो टॉपर्स टॉक का मतलब ये होता है कि जहाँ पे गैदरिंग हो रही है वहाँ पे जो टीचर्स आ रहे हैं वो खुद को और प्रमोट कर रहे हैं, समझो मेरी भाई, हर जगह बिजनेस चल रहा है और कुछ नहीं। अगर बिजनेस ना चल रहा होता तो रील में जो एडिटिंग करके कुछ भी भोंक दे रहे हैं तो फिर अब क्या ही बताएं, नाम किसी का नहीं ले रहे तो गाली वाली मत देना, ठीक है। टॉपर्स टॉक, दूसरी चीज़, अब जो गलतियाँ नहीं कर रही है CGL को लेके, वो जो छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं ना, वो जो शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं, तुमने देखा होगा रील में भी अब आ गए हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी आ गए हैं कि ये क्विक रेसिपी है जिससे तुम CGL निकाल लोगे, ये क्विक टॉपिक है, ये है वो है फलान, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है इनसे, तुम्हें अपनी खुद की स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी, किताबों की हेल्प ले लो, टीचर्स जो है उनके प्लान हेल्प ले लो, लेकिन ये जो रील और शॉर्ट में जो छोटी छोटी चीज़ें चल रही हैं ना कि ये सवाल कर लिया तो CGL पार, देखा है कभी भी वो रूट वर्ड वाले सवाल आजकल खूब वायरल होते हैं ये वाले, ठीक है, तो ये वाले सवाल अगर कर लिए तो CGL पार, जबकि अब कहो ये पूछे बिना कभी, कि इतना रट चुका है सबको, तो ये चीज़ें तुम्हें समझनी पड़ेगी, थोड़ी बुद्धि लड़ानी पड़ेगी, इन सब सवालों को अगर हल करते रहोगे दिन भर कुछ नहीं होना है। तीसरी चीज़, जो अभी से YouTube पे प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, देखो प्रैक्टिस सेशन का मतलब YouTube पे ये होता है, सीधी बात है, देखो आजकल पढ़ाई में गजब का बिजनेस हो रहा है, क्योंकि 500-600 करोड़ हर टीचर कमा के जा रहा है आजकल, तो ये जो प्रैक्टिस सेशन कराते हैं ना, एक एक नहीं पता नहीं कितने कितने प्रैक्टिस सेशन, उसमें क्या होता है, उसमें प्रैक्टिस सेशन में सवाल होते हैं 25 और प्रैक्टिस सेशन होता है 2 घंटे का, वो 2 घंटे का मतलब ये होता है कि ऑडियंस जोड़ना, 25 सवाल तुम पढ़ने जाओगे 2 घंटे लगा दोगे, इसलिए खुद किताब ला के प्रैक्टिस कर लो या मॉक टेस्ट कोई खरीद लो उससे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आखिरी चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करें CGL अब करने के लिए, गलती क्या नहीं करनी है तुम्हें, सब कुछ बेसिक से नहीं स्टार्ट कर सकते हो, सब कुछ बेसिक से नहीं कर सकते हो, बेसिक से करने बैठोगे तो अब लग जाएगा 1 साल तो तैयारी में, 2025 की तैयारी कर रहे हो वो तो अलग बात है, अगर 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो फिर हम नहीं कह रहे हैं, 24 के लिए कर रहे हो तो बेसिक से नहीं कर सकते हो। अब जिनका बेसिक कमज़ोर है वो क्या करें, जिनका भी बेसिक कमज़ोर है वो एक ही काम कर सकते हैं कि जो भी सवाल बताए जा रहे हैं उसको 3 से 4 बार लगाने की कोशिश करो, बेसिक उसी के बीच में कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा अपने आप, वरना अब बेसिक अगर तुम लोग पढ़ने जाओगे कि तुम 19 का पहाड़ा याद करने बैठोगे तो हो गया सिलेक्शन फिर, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें इनको ध्यान में रखोगे, ये जो भी चीज़ें हम शेयर करते हैं और अपने एक्सपीरियंस की चीज़ें बताते हैं, हम इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी उड़न तस्तरी उड़ा रहे हैं यहाँ पे, हमने जो 2 साल पहले पढ़ाया है उसी के बेस पे हम बता रहे हैं, बाकी आजकल जो मार्केट बनी हुई है इसको तो किसी ना किसी दिन ध्वस्त करेंगे, ये पक्का है। राम राम।